दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने आप लोगों को लाइव डेमो दिखाऊंगा मेरा बाइसेल लेवल का, जो कैलकुलेट करता हूँ, जो मेरा जो चार्ट का सेटअप। तो आज का मैंने अभी सेशन चालू कर रहा हूँ, आज मेरा लेट हो गया हूँ तो इसीलिए आप लोग को माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने अभी जो मैंने थोड़ा सा अपडेट कर लिया, तो अभी जो करेंट जो करेंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसको एक बार फिर बैठा लेता हूँ। बैंक निफ्टी फ्यूचर का देखता है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का 20,452 करेंट जो चल रहा है 20,075, 76, 78, 80 चल रहा है, 93 हो गया 20,093। सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो इधर अभी 20,043 इसका चल रहा है, इसका चल रहा है, बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेवल देखेंगे। 91, 91, 95 इसके बाद इसका जो चल रहा है 20,030 इधर चल रहा है, 20,000 और इधर 9,163। तो इसको सभी जगह बैठा देता हूँ, सब जगह में इसका बैठा देता हूँ, इसको जिधर जिधर बैठना है। और इसके बाद तो ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं बाय सेल लेवल कंपेयर करके कौन सा लेवल पे एंट्री लिया जा सकता है, कौन सा लेवल पे एंट्री लेने से शेयर प्रॉफिट आ सकता है। तो इधर देखिए, मैंने इंडेक्स का देख रहा हूँ, फ्यूचर्स का भी आप लोग देख सकता है। इधर 9221 और 20,158 बैंक निफ्टी 92, 92, 91 और इधर 20,158 बैंक निफ्टी और फ्यूचर 20,143 और
निफ्टी 9247, ठीक है, अप साइड में, और डाउन साइड में इधर 9163 और 19978, इधर 19976, 19186, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने बाय सेल लेवल 2 छोड़ दिया, ठीक है, बाय सेल लेवल 3 देख लेते हैं। बाय सेल लेवल 3 को देखना है, इधर 9999, 8811, इधर पिवट पॉइंट तो ज़्यादा ऊपर दिखा रहा है। इसके बाद गन एंगल्स देखता है, गन एंगल को 9175 बाई साइड में और 9151 सेल साइड में, ठीक है, इसका 9167, 9158, एक्चुअली वो 9225 का लेवल उसका ऊपर कुछ है क्या वो मैंने देख लेता हूँ। और जो फर्स्ट बाई से लेवल 1 देखा था, इधर और कुछ लेवल दिखा था क्या, नहीं दिखा था है इधर। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसका हिसाब से ट्रेड लेना है। इधर 9204, इधर 9218, ठीक है, इसीलिए इसका देखना पड़ता है, बहुत सारा लेवल्स, 3-4 लेवल्स देखना पड़ता है। तो इधर इधर और कुछ नहीं, ठीक है, इधर देखता है इसमें, और बाद देख लेता है ये फिबोनाची का वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल दिखा रहा है 9220, ठीक है, और ये 20204, और नीचे वाला लेवल दिखा रहा है 9105। ये भी चलता है, लेकिन फिर भी जो मतलब ट्रेडेबल है, मतलब जो नज़दीक थोड़ा सा नज़दीक मिलेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, तो इसीलिए मैंने गान का एंगल भी देखता हूँ। इधर 9178, 9210, तो अभी मार्केट प्राइस कितना चल रहा है एक बार देखना पड़ेगा। 9178 मैंने 9178 में हम लोग ट्रेड ले सकता है, 9178 के ऊपर 9193, 9225, ठीक है, और इधर इधर एक लेवल है इसको भी एक बार देखना पड़ेगा। फिबोनाची लेवल भी बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, इधर 9923 दिखा रहा है। तो चार्ट का सेटअप भी एक बार देख लेता है, चार्ट का पोजीशन जो दिख रहा है इधर, ये तो निफ्टी बैंक का है, निफ्टी का देख लेता है कहाँ पर लेना चाहिए एक्चुअली। सब कुछ मिला के जो डिसीजन लेना चाहिए, चार्ट का जो पोजीशन है दोस्तों, आज गैप, आज देखिए ये गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद ये नीचे गिरा है, ठीक है, तो उस पर जैसे स्लाइटली तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में इसका रिवर्सल आने के लिए 9220 जो दूर का जो लेवल है उसको पकड़ नहीं सही रहेगा।
तो क्योंकि ये रीजन मैंने इसीलिए लेता हूँ कि इसका चार्ट का जो देखिए वो इसका जो ओपन हुआ है उसी का वो हाई हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी का हाई है, 9223 में ओपन हुआ है, 900 9324 में 23 में ओपन हुआ है, 9324 इसका हाई है, उसके बाद ये नीचे ही गिरा है, तो उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करा, तो रिवर्सल आने तक इसका थोड़ा सा दूर का लेवल ही लेना ठीक रहेगा 9220 का, और जो नीचे का जो लेवल आए उसका पकड़ लेता है उसका देखता है। तो हम लोग कौन सा लेवल लेंगे, इधर 9923 का लेवल ले लेता है, ठीक है, 9923 का लेवल, 9223 का लेवल बाई के लिए रखता हूँ, और सेल के लिए 9162 जो ऑलरेडी चालू हो गया है, मतलब ऑलरेडी नीचे आ गया है, ठीक है। मैंने करेंट प्राइस बैठा के फिर से एक बार देखता हूँ, 9158 ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेवल देखता है और उसको छोड़ देता है, उसका नेक्स्ट लेवल देखता है, उसका जो नेक्स्ट लेवल है उसको देखता है 9178 का, सॉरी ये नहीं है, ये वाला लेवल है, मैंने इसी लेवल को 9147 का लेवल पकड़ लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। 9147 मतलब यहाँ इंडेक्स का, निफ्टी इंडेक्स का, और 9179 इसका फ्यूचर का, और बैंक निफ्टी का 19983 और 19997 इसका पकड़ लेता है। और बाई साइड में आप लोग को दिखाया कि 9223 का लेवल, 9200 आप लोग इसका इसका अंदर आप लोग ऑब्जर्व कीजिए मार्केट, तो क्योंकि मैंने इधर लेवल देखता हूँ उसका लेवल भी चला भी जाए, और बाई के लिए इधर 9223 20161 और 9248 20130, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं चार्ट पे, देख लेते हैं 9147 आता है क्या नहीं आता है, उसके बाद 33 तो ऊपर चला गया, ठीक है, देखता है उसके बाद ऊपर में। और बैंक निफ्टी का देखा 9120161 और नीचे का लेवल है, बैंक निफ्टी का 19938। पहले मैंने एक एक करके देखता हूँ, मतलब फ्यूचर उसके बाद देखेंगे, नहीं तो ट्रैक करना मुश्किल होता है। बैंक निफ्टी को 20161 के ऊपर बाई करना है, और 19983 के नीचे सेल करना है, ठीक है। और फ्यूचर को देख लेते हैं, 9179 के नीचे सेल करना है, 9179 के नीचे सेल करना है, और बैंक निफ्टी का 19997 के नीचे सेल करना है। और बाई करने के लिए मैंने इसका लेवल पकड़ा, बाई करने का फ्यूचर का लेवल 8 इट इज़ इन डाउन ट्रेंड, तो इसीलिए इसका बाई करने के लिए इसका 9248 और बैंक निफ्टी का 20130, ठीक है, 248 और बैंक निफ्टी का 20230 सॉरी 20130 का लेवल तो ऑलरेडी आ चुका है शायद, कितना चल रहा है, हाँ 20130 का लेवल तो ये चल रहा है इसका, 20130 के सॉरी ये तो निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है, बीस हजार 160 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, देखता है निफ्टी का लेवल अभी तक आया नहीं है, इसका 172 हो गया, 177 हो गया, 179, 182 चलता है, 184,
इसका नेक्स्ट लेवल कितना है, 221 तक जा सकता है, 130 से 221 तक ये जा सकता है, देखता है कितना जा सकता जाता है। बैंक निफ्टी का लेवल अभी तक आया नहीं है, कितना गया था, इसका हाई गया था 20452। ठीक है, देखते हैं इसका भी थोड़ा सा ऑप्शन भी दिखा रहा है। जैसे अगर 198 के ऊपर है, ऊपर जाने का प्रॉब्लम है, सॉरी क्या दिख रहा हूँ, हाँ इधर 20,000, हाँ 20,198 क्रॉस करेगा तो ये टारगेट लग जाएगा। हाँ 20,205 हो गया, 209 हो गया, कितना था 20,222 फर्स्ट टारगेट था, सॉरी 20,221, तो 205 208 तक गया है, जाना चाहिए क्योंकि ये इस लेवल को क्रॉस किया है, इस लेवल तक आना चाहिए इसका। 20,204 हो गया है, तो देखते हैं इसका आज जा सकता क्या नहीं जा सकता है। 20,130 से इसका लेवल था। और निफ्टी का क्या हो रहा है, निफ्टी अभी तक लेवल कुछ आया नहीं है, 9,247 से इसका लेवल है, 9,000 ना इसका जो लेवल था 9,248 से फ्यूचर का लेवल दिख रहा हूँ, 9,248 का लेवल अभी तक आया नहीं है। निफ्टी थोड़ा सा लैगिंग बिहाइंड, बैंक निफ्टी इसका थोड़ा सा आगे चल रहा है। देखता है 208, 210, 215, 226 फर्स्ट टारगेट ला हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और क्या देखेंगे, नेक्स्ट टारगेट है 20,311। देखते हैं उसको आता है नहीं आता है, लेकिन फिर से एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर से मैंने आप लोग को लेवल देता सकता हूँ, क्योंकि एक लेवल आने के बाद उसका फिर से कैलकुलेट करना ही ठीक रहता है, सभी समय एक का एक टारगेट नहीं लगता है, तो उसको फिर से रीसेट करना पड़ता है। तो मैंने 20,200 जो करेंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसको बैठा था हूँ, 220 हो रहा है, 20,220 बैठा देता हूँ, 20,220। ठीक है, और इसका जो चल रहा है निफ्टी का 9,230। आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक्चुअली जो था, बैंक निफ्टी वॉज लैगिंग बिहाइंड, बट आज बैंक निफ्टी इज लीडिंग एंड निफ्टी इज लैगिंग बिहाइंड। एनीवे होता है, तो 9,193 इसका चलता है, 9,193। ठीक है, इसका चेंज मत करता हूँ क्योंकि इसका लेवल आया नहीं है अभी तक, इसका इसीलिए ऐसे ही रहने देता हूँ, इसका लेवल आया नहीं है तो इसका वो जो पहला वाला लेवल था उसको ही देखना चाहिए। इसका चेंज किया हो, इसका न्यू लेवल्स क्या आया है देखना पड़ेगा एक बार, 20,266 के ऊपर इसका बाई हो सकता है। ठीक है, 20,266 के ऊपर बाई हो सकता है, फ्यूचर को ही फॉलो करता हूँ, कितना
अच्छा 20,000, ये 20,097 चल रहा है, 92,097, 20,092,097 चल रहा है। ऐसे निफ्टी का लेवल आया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी लेट हो गया हूँ। बैंक निफ्टी का एक टारगेट आप लोग को दिखा दिया, उसका और आप लोग ये जो ट्रेनिंग के बारे में सोचिए आप लोग, ये जो चार्ट का सेटअप मैंने कंपेयर करके देखता हूँ और ये जो वाइसल लेवल्स दिखाता हूँ तो आप लोग को सिखा दूंगा, इसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। आप लोग मेरा ये जो डेमो दिखाता हूँ, लाइव डेमो, और ये जो वाइसल लेवल्स मैंने वाइसल लेवल आप लोग को दिखाता हूँ अगला दिन में, वो कैसे काम करता है आप लोग देख सकता है। और जो मैंने ट्रेनिंग शेड्यूल रखा, ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा है, वो आप लोग देख सकता है क्या क्या इसमें सिखाया जाएगा। तो इसका हिसाब से आप लोग रिसर्च तो करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग को इसमें इतना लो कॉस्ट में आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। इसमें 50,000-60,000 आप लोग को लग जाएगा दूसरा किसी जगह, और इस ये सब चीज़ सभी चीज़ आप लोग को नहीं मिलेगा। गन एंगल, वोलेटिलिटी, वेस्ट एंगल, गन एंगल तो वो, और गन एंगल, गन डिग्री का बहुत सारा तरीका होता है, जो मैंने लेवल दिखा के दिखाया, जो 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 कैलकुलेटर आप लोग को फ्री में मिलेगा वो इतना एक्यूरेटली काम करे, ये लेवल आप लोग को फ्री में मिलेगा आप लोग को दिखा देता हूँ, वो भी मैंने कैलकुलेट करके रखा हूँ। ये लेवल आप लोग को फ्री में मिलेगा लेकिन इतना एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों, आप लोग भी देख सकता है। मैंने खुद ट्रेडर हूँ तो मैंने इसका समझता हूँ, मैंने भी बहुत सारा चीज़ मैंने यूज़ करके देखा हूँ, बहुत सारा रिसर्च एनालिसिस करता हूँ, तभी जाकर ये सब लेवल्स मैंने बनाया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरा लेंगे और ये आप लोगों को बात है, मैंने खुद ट्रेडर हूँ तो इसीलिए मैंने रिसर्च एनालिस करता हूँ। और आप लोगों को जो एक्चुअली जो लोग को बहुत ही कम पे आएगा, एकदम अच्छी तरह से मतलब प्रॉफिट कमा सकता है, तो इसीलिए मैंने इसका देखता हूँ। तो देखिए इधर मैं ये वोलेटिलिटी बेस्ड गन एंगल्स ये सब आप लोग को मैंने ये खुद मैं और गन एंगल्स और गन डिग्रीज बहुत ही तरीक़े से गन को और लेवल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने ये जो लेवल्स है ये मैंने एक इंडिकेटर देख के बनाया है, तो इसी का लेवल ये सब आप लोग को कहीं पर नहीं मिलेगा, मेरा पूरा मेरा रिसर्च एनालिस्ट करके बनाया, और कैसे लेवल मिलता है आप लोग खुद देख सकता है। तो अभी क्या करना है, तो हाँ तो इसका सेल का लेवल भी एक बार देख लेता है, इधर 9,000, इधर तो 20,266 का ऊपर बाई होगा और 20,143 का ऊपर बाई होगा, इंडेक्स और फ्यूचर 20,266 के ऊपर बाई होगा। सेल में आप लोग कुछ इंट्री ले सकता है कि एक बार देख लेता है। इधर का सेल का रिवर्स लाने के लिए थोड़ा सा देर होगा, तो इस लेवल को देखना चाहिए, 19,853 के नीचे सेल होगा और 9,163 के नीचे फ्यूचर का सेल होगा, मतलब निफ्टी का फ्यूचर, और 19,899 9,146। देखिए लाइव मार्केट ऑब्जर्व करता है, अभी आप लोग भी ऑब्जर्व कीजिए और एक को ध्यान रखिए, और आप लोग इसका ट्रेनिंग का लिए जरूर सोचिए। नमस्कार दोस्तों, तो मैंने देखिए आप लोग को अगला दिन जो फाइल देता हूँ तो उसको मैंने बोला था कि आप लोग आइए, देखिए ये अगला दिन का फाइल है, तो इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेरा मैंने शेयर करता हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ, इसका थ्रू मैं आप लोग को व्यू देता हूँ, तो आप लोग को इसका व्यू आप लोग को भी मिल गया है, तो ये आप लोग को फ्री में रोज देता हूँ। तो देखिए इसका जो लेवल्स था बाई सेल लेवल 1 पकड़ेंगे तो इधर 8,984 के ऊपर बाई लेवल था, 19,309 में इसका सेल लेवल था, ये मार्केट ओपन हुआ है 9,324 में ओपन हुआ है, ठीक है, तो उसका ऊपर कोई लेवल आया नहीं है। तो सेल का लेवल था, देखता है सेल का लेवल 8,926 के नीचे, तो 8,926 के नीचे भी इसका लेवल आया नहीं है, ठीक
ठीक है, तो इसको छोड़ देता है, तो दूसरा लेवल देखता है। इधर से मैंने जो लेवल्स आप लोग को पकड़ देता हूँ, तो उसको क्या लेवल कैसे मैच करता है वो भी एक बार देख लेता है। तो इधर जो गाय का लेवल है ये भी 8994, सॉरी इसका नहीं, ये जो मैंने गन लेवल्स दिखाता हूँ, वोलेटिलिटी बेस्ड गन लेवल्स, इसमें वोलेटिलिटी लिंक्ड हुआ है। तो इधर इधर देखिए 9006, 9120, 9117, इसका शायद इसका बैंड ओपन हुआ है, तो 9334 के ऊपर, 9258, 9324 के ऊपर ओपन हुआ था, 9300, तो 9034 का लेवल आया नहीं, तो बाई साइड आया नहीं था। उसके बाद सेल का लेवल था 8977, तो इसका शायद इसका भी लेवल आया नहीं आज। लो कितना हुआ, तो लो 9000 के ऊपर ही लो है इसका, 9000 के ऊपर ही लो है, हाँ 9191 लो है, तो इसका लेवल्स आया नहीं है अगले दिन का। देखते हैं और कुछ लेवल आता है नहीं कि, ठीक है दोस्तों पास का। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इधर 9223 का लेवल अभी तक आया नहीं, इधर भी फ्यूचर्स का लेवल 9260 का लेवल आया है निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी आज बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो रहा है, तो बैंक निफ्टी का लेवल्स तो आ गया है इधर 20190 भी, इसका 20190, उसके बाद ये 20282 का लेवल, उसके बाद 374 का, ये अभी लेवल चल रहा है 374 के आसपास जा रहा है, देखते हैं इधर 300 नेक्स्ट टारगेट 374 के आसपास है, इसका लेवल 53557 55 50, देखते हैं 374 का लेवल, 374 का लेवल के ऊपर, और मैंने अभी और ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करूँगा, 374 का लेवल 20466, 374 के ऊपर 20466, 20650 का लेवल जा सकता है फ्यूचर। और ये इंडेक्स जो है, इंडेक्स इधर निफ्टी का थोड़ा सा आ रहा है लगता है, इंडेक्स का 9021 हो गया, 23 के ऊपर है, और इंडेक्स का 20339 तो हो गया है, कहाँ से हुआ था 20184 से है, 370 का लेवल अभी चल रहा है, 334 मतलब 350 गया था, 334 का लेवल अचीव नहीं हुआ है। ठीक है देखते हैं, आप लोग भी देखिए और ट्रेनिंग के बारे में आप लोग सोचिए, इस बार बोलता हूँ क्योंकि मैंने खुद ट्रेडर हूँ और बहुत साल से मैंने बहुत सारा चीज़ मैंने इस्तेमाल करके देखा हूँ। आप लोग को जो फ्री में, आप लोग को जो जिधर ट्रेनिंग लेने जाएंगे आप लोग, और जो आप लोग गाने फिबोनाची लेवल आप लोग को जो फ्री में मिलता है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करेगा, वो भी आप लोग को दिखा दिया है। तो बहुत सारे आदमी का सोचता है गान लेवल ऐसा क्या है, वो तो मतलब स्टॉप लॉस लग जाता है, ऐसा है वैसा है, तो ये जो लेवल्स है ये आप लोग देख सकता है, मैंने आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ और आप लोग चेक कीजिए फ्री वे में, वेबसाइट में जो मिलता है वो आप लोग को दिखा देता, आप लोग उसे चेक करते हैं एग्जैक्टली वही लेवल आता है कि नहीं आता है। मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ और भी दिखाता हूँ, ये देखिए सोच लीजिए मैंने लास्ट प्राइस बैठा था 9209, 9210, सोच लीजिए 9212 लास्ट प्राइस चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ जाएगा BWAP का पैटर्न आपको बोलता है, वो भी आप लोग देख सकता है। तो ATP मैंने देख लेता है, ATP इधर मैंने ATP बैठाने के लिए इसका नहीं है, हम लोग फ्यूचर का देखना पड़ेगा, इंडेक्स का ATP मैंने कहाँ गया 9214, ठीक है अभी इसका लेवल क्या निकल के आता है आप लोग देखिए। और उसके साथ आप लोग को जो जिस किसी भी वेबसाइट में आप लोग, मैंने कुछ नाम नहीं करूँगा, फ्री में आप लोग को जो मिलता है,
किसी भी कैलकुलेटर ऐप वेबसाइट जिधर भी आप लोग देख सकता है। एक मिनट, इसका मेरे प्रोसेस होने से थोड़ा सा टाइम लगता है, इधर मेरा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, बड़ा होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लोड करने में प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट का भी ज़्यादा चला जाता है, तो इसीलिए आप लोग का भी देखिए, आप लोग का ये जो हार्ड एंड मनी आप लोग कहाँ पर ठीक से सोच समझ के लगाएंगे तो आप लोग को फ़ायदा ही होगा। मैंने खुद ट्रेडर हूँ, बहुत गवाया भी हूँ, बहुत कमाया भी हूँ, तो इसीलिए मैंने समझता हूँ। और इसीलिए आप लोग को कम से कम जितना मिनिमम कॉस्ट हो सकता है उसमें आप लोग को ट्रेनिंग देना हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ दो लोग बिजनेस कर रहा है ट्रेनिंग का लिए या सॉफ्टवेयर के लिए या मतलब कॉल सर्विस के लिए, तो ऐसा आप लोग मिंगल मत करने का। देखिए इधर जो 9216 का लेवल निकल के आता है, 9235 का लेवल आता है, ठीक है, आप लोग एकदम आप लोग फ्री में जो वेबसाइट किसी भी वेबसाइट में जो लेवल सीधा दिखाता है वो आप लोग चेक करके देख लीजिए। इधर भी मैंने इसका कैलकुलेट करके मैंने यह किया हूँ, आप लोग एकदम बिल्कुल इसी तरह का लेवल आप लोग को मिलेगा, 9216, 9235, 9259, इधर 9192 के नीचे सेल, 9172 यही आप लोग को मिलेगा, ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट है यही आप लोग को मिलेगा, लेकिन ये इतना एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करेगा। तो एनीवे मेरा जो लेवल था 9123 उसके ऊपर जाता है कि नहीं जाता है आप लोग देखते हैं, देख सकते हैं, देखिए गया नहीं है उसके ऊपर, अभी तक गया नहीं है। मैंने इसका वीडियो पॉज करता हूँ,